गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान वी आर गोइंग टू लर्न टू पॉइंट वन ट्राई अगेन अ पोएम फ्रॉम एट्थ स्टैंडर्ड लेट्स बिगिन चिट चैट वट डू यू लाइक पोएम्स और स्टोरीज आपको क्या पसंद है पोएम पसंद है स्टोरीज पसंद है वो ऑब्वियसली स्टोरीज़ पसंद होंगी और बाज बच्चों को पोएम भी पसंद आती है दोनों पसंद आती है सो आई लाइक बोथ पोएम्स एंड स्टोरीज़ व्हाट काइंड ऑफ पोएम्स डू यू एंजॉय द मोस्ट कैसी पोएम आपको ज़्यादा पसंद आती है कैसी पोयम पसंद आती है जिसमें तर्ज होती है तराने टाइप होती है यानी लिरिकल होती है आई लाइक द लिरिकल पोएम डू यू थिंक पोएम्स कैन इंस्पायर अस क्या तुम्हें लगता है कि पोए जो है हमें इंस्पायर करती है यस ऑफकोर्स वाई नॉट हमने अक्सर ऐसी पोएम सुने हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं डू यू रिम्बर एनी सच इंस्पायरिंग पोएम यस हमने बहुत सारी ऐसी इंस्पायरिंग पोएम पढ़े हैं समझे हैं जैसे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता या फिर इंग्लिश में एक और पोएम याद आ रही है वी शल ओवरकम वेन डिड यू लर्न और लेसन टू इट जब आप उसे कब पढ़ते हैं कब समझते हैं सुनते हैं हाँ उमूा जब अकेले होते हैं I learned that poem in seventh standard. When I am I was in seventh standard, I learned that poem. ऐसा भी कह सकते हैं What message do you get from it? आपका उस poem से क्या मैसेज मिला है तो कौन सा मैसेज मिला है Faith in ourselves. ग्रो हार्ड और टेक द एडवांसेस तो इस टाइप के आप वहाँ पर मैसेज दे सकते हैं लेट्स बिगिन ट्राई अगेन ट्राई अगेन टिसन यू शड हीड टॉर्ट एंड फार्म है शॉर्ट एंड फार्म यानी छोटा किया गया है मुख्फ है छोटा कर देना मुख, ये छोटी सूरत कर देना डिस अ लेसन यू शुड हीड हीड यानी तवज्जो देना पे अटेंशन टू गौर करना फ़िक्र करना ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करो अक्सर बोलते हैं ना दोबारा कोशिश करो वैसा ही है इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड अगर आप पहले कामयाब नहीं हुए तो आपको कोशिश करना ट्राई अगेन फिर दोबारा कहते हैं ट्राई अगेन ट्राई अगेन एन दोबारा कोशिश करना देन यू करेज शुड अ उसके बाद ही आपकी जो हिम्मत है वो सामने आएगी निखर के आएगी बढ़ कर आएगी फॉरिफ़ यू विल प्रिजर्व प्रसीवियर अब देखिए ये प्रिजर्व और प्रसिवियर में थोड़ा सा फ़र्क़ है प्रिजर्व के मायने होता है ये पर्सेवियर है पर्सेवियर पर्से पर्ज बैलेंस से बना है पर्जे बैलेंस के मीनिंग होता है सब्र करना ये मस्तल मिजाजी से काम करना ये परसिवियर कीप ट्राइंग टिल वन अचीव यानी आपको इस्तलाल से मुस्तिल मिजाजी से काम करते रहना है कीप ट्राइंग टिल वन का अचीव्स और टू कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज़ इसका मानी है यानी कामयाब होने तक जद्दोजहद जारी रखना यू विल कांकर नेवर फियर आप जीत जाओगे कांकर होना यानी आपने हर चीज़ को हरा देना है अपने आप को जीतना है कामयाब होना है यू विल कंकर यू विल कंकर नेवर फियर कभी डरना नहीं खौफ नहीं खाना फियर यानी डरना ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करो वंस और ट्वाइस एक बार या दो बार दो यू शुड फेल ट्राई अगेन और आपने क्या करना चाहिए अगर आप नाकाम भी होते हैं तो फिर भी आपने ट्राई करना चाहिए दोबारा कोशिश करना चाहिए ट्राई अगेन वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल ट्राई अगेन इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल ट्राई अगेन इफ़ यू एट लास्ट प्रिवेल अब क्या कह रहा है वो कि आखिर तक क्या आपको कोशिश करना चाहिए इफ़ यू स्ट्राइव स्ट्राइव टिस् स्ट्रगल करना जद्दोजहद करना ट्राई वेरी हार्ड इफ़ यू strive, ट्राई अगेन आपको क्या करना है आपने जद्दोजहद करते रहना है ट no disgrace. और आपने उसमें बिल्कुल बुरा नहीं माना दो वी do नॉट विन द रेस बावजूद उसके अगर हम नहीं जीत सकते इस रेस को what शुड वी डू इन द केस तो हम इस मामले में क्या कर सकते हैं इन द केस यानी इस मामले में हम क्या कर सकते हैं ट्राई अगेन यानी दोबारा कोशिश कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड अगर आपको अपना जो टास्क है अपना काम है वो हार्ड लग रहा है मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करेंगे इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड ट्राई अगेन आपको दोबारा कोशिश करना है टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड वक्त क्या करेगा आपको अपना इनाम दोबारा ला कर देगा ट्राई अगेन रिवॉर्ड यानी इनाम ऑल डैट अदर फोक कैन डू तमाम के तमाम लोग जो दोबारा करते रहते हैं बार बार करते रहते हैं अभी आमतौर पर फोक देहाती के लिए भी इस्तेमाल करते हैं यानी यहाँ पर तो इस्तेमाल क्या है दूसरे लोगों के लिए वाई विद पेशेंस मे नॉट यू पेशेंस यानी बहुत ही ज़्यादा सब्र से काम करना कैपेसिटी टू एक्सेप्ट डीले विदाउट लूजिंग होप सब्र करना मुस्तकिल मिजाज से काम करना तहमुल से काम करना साबित खदमी से काम करना यानी पेशेंस पावर ऑफ इंड ट्रबल यानी किसी आ, मुश्किल से लड़ने की ख़ुत रखना ओनली कीप दिस रूल इन व्यू ट्राई अगेन आपको क्या करना है इस असूल को अपने पास रखना है और दोबारा कोशिश करना है हार नहीं मानना है चलिए इसका डब्ल्यू ई वी सन ने लिखा है इसे और इसके एक्टिविटीज़ के साथ हम अगले वर्कशॉप में इंग्लिश वर्कशॉप के साथ अगले वीडियो में हाजिर होंगे तब तक के लिए गुड बाय